करने की जरूरत ही नहीं, गारंटी दे रहे हैं। अगर तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो मुझसे कहना, तुमको शिक्षा कभी महान बनाएगी नहीं, नहीं बनाएगी। तुम जब भी महान बनोगे, जिस दिन ये तुम्हारा एक्टिव हो दिमाग गया, के कई सारे फीचर्स हैं, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है आदत, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उसका आदत। इसलिए तुम्हें जो लोग शराब पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, गुटखा खिलाते हैं, वो पहले अपने पैसे से खिलाते हैं, फिर एक दिन तुम खुद ही मांगते हो। जब तक तुम नहीं मांगते हो तब तक वो इन्वेस्ट करते हैं तुम्हारे ऊपर, और जिस दिन तुम मांग लेते हो उस दिन वो कहते हैं कि खुद ही खरीद के ले लो, क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि अब तुम आदत के शिकार हो गए हो। सुबह उठे मोबाइल पे हाथ चला गया, आदत। दिमाग के इस पहलू को पकड़ लो, बहुत प्यारी चीज है ये। तो अगर बुरी चीजों की आदत पड़ सकती है तो अच्छी चीजों की भी पड़ सकती है। बदलना ही तो है, आदत ही तो बदलनी है। ये मन का बहुत बड़ा फीचर है आदत। दूसरा मन का जो सबसे बड़ा फीचर है जो आदमी को महान बनाता है वो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आज सुबह की क्लास में मैंने कहा कि ऐसे ऐसे स्कूल है इंडिया में जहां की पर ईयर की फीस है 50 लाख रुपए, स्कूल 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 1 करोड़। स्कूल क्लास फोर्थ में, फोर्थ की फीस है साल भर की 70 लाख, आसमानी किताब से पढ़ाते हैं। इनके टीचर आते हैं प्लूटो से, लेकिन वहां के पढ़े हुए बच्चे प्रधानमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री नहीं बनते। मायावती आम घर की महिला मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नरेंद्र मोदी, योगी, ये कैसे हो जाता है? अगर इनकी पढ़ाइयों में इतनी ही ताकत है, ये बच्चों को 3-4 चीज सिखाते हैं, उससे माँ बाप बड़े खुश रहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और चक्कू और चम्मच से खाना खाना, ये सब सिखाते हैं। घर पे बच्चा आएगा तो क्लॉथ वगैरह लपेट के फिर खाना है, उससे माँ बाप बड़ा अच्छा रहते हैं, खाना बड़ा बढ़िया खा रहा है। इंग्लिश बोलेगा मुंह बना बना के, अंग्रेजी एसेंट में बोलेगा आई विल कम टुमारो, अच्छा टुमारो आओगे तुम, इससे माँ बाप बड़े खुश। क्योंकि दिमाग की कुछ आदतें हैं, मैंने कहा, जैसे उसमें से एक आदत है जिज्ञासा, एक पहलू है उसका जिज्ञासा, बच्चों में बहुत होती है। माँ बाप मार देते हैं उसको, बच्चे उल्टा सीधा सवाल करते हैं, माँ बाप मार देते हैं और कुछ स्कूल के टीचर मार देते हैं, ये दो लोग मारते हैं। कबीर जिज्ञासा की वजह से महान बन गए, देख के दोहा लिख दिया, देख के, कहीं पढ़ के थोड़ी लिखा, खजूर का पेड़ देखा कनेक्ट कर दिया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अद्दूत। कि तुम अगर बहुत बड़े हो और तुमसे किसी को फायदा नहीं मिल रहा है तो तुम इस खजूर के पेड़ की तरह हो। कभी स्कूल गए नहीं, कभी पढ़े नहीं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुर मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि जो जो इस शरीर पे रहा वो आईसीयू पहुंचा, जिसने जीवन भर मेहनत की है। मजदूरों को देखो, कोई आईसीयू नहीं जाता, जिसने शरीर को गलाया है जिंदगी भर वो आईसीयू नहीं जाएगा, जरूरत ही नहीं है। चक्की देखा कनेक्ट कर दिया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, एक तुम्हारा दिमाग एक तुम्हारा दिल, देखो कैसे दोनों टकराते हैं। तुम किसी गरीब को देखते हो भावुक हो जाते हो कि पैसा दे दें यार, फिर दिमाग एक्टिव हो जाता है कि अभी दारू पी लेगा ये। तुम अगर बहुत गौर से अपने आप को देखो तो दो लोग तुम्हारे अंदर ही लड़ते रहते हैं। यहां से घर लौट के गए, तुमने सोचा 4 घंटे पढ़ ले, दिमाग ने कहा अबे पढ़ के क्या करो, अभी तो 19 साल तुम्हारी उम्र है, चद्दर उद्दर तान के सो गए, अभी तो मैं 19 साल का हूं। जिसकी 25 है उसको दिमाग दूसरी राय दे देता है कि सब आईएएस में थोड़ी बनते हैं, मोदी जी कहां बने थे। इसके पास विचारों की कमी नहीं है, इसी इसी बात फेंक देगा तुम्हारे सामने, झन्ना जाओगे तुम कि बात तो सही कह रहा है यार। और जो भी तुमसे करवाना होगा इतनी प्यार से करवाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और करने के बाद कसम खाओगे अब नहीं करेंगे। मजेदार पहलू तब होता है जब तुम कसम खाते हो कि बस आज से बिल्कुल, फिर 4 दिन बाद तुमको समझाता है पागल। और ऐसे तुम जीत हर दिन अपने आप से लड़ते हो।
तभी तो दिलबाग गुटखा खाते हो। ये दिलबाग गुटखा इस टेंशन की उपज है कि जिसका मुंह चल रहा है भैंस की तरह लगातार, इस तरह से उसका दिमाग नहीं सोचेगा। कुछ लोग अगर वो गुटखा ना खाए तो मर जाए, पागल होकर मर जाए। फिर गुटखा छोड़ने के लिए चुंगम पकड़ लिया, फिर चुंगम गुटखा दोनों खाने लगे। जब गुटखा नहीं खाएंगे अब चुंगम खाएंगे, 3 दिन तक खाए। फिर समाज तो है ही है कि अबे तुम भी यार लो, आज खा लो कल मत खाना। जिज्ञासा, न्यूटन बैठा हुआ है बाग में, देखा उसने सेब को गिरते हुए, जिज्ञासा। बुद्ध सड़क पे जा रहे हैं, सिद्धार्थ, चार चीजों को देखा, जिज्ञासा। तुमको शिक्षा कभी महान बनाएगी नहीं, नहीं बनाएगी। तुम जब भी महान बनोगे जिज्ञासा की वजह से बनोगे। जिस दिन ये तुम्हारा एक्टिव हो गया, जो भी महान बना वो जिज्ञासा की वजह से बना। यही तो टैलेंट है। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए, बार में बैठ के ध्यान लगा रहे हो। ऑड सिचुएशन में, ऑड मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे हो और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी मन की ताकत का अंदाजा लगाओ, कितना श्रेष्ठ मन है तुम्हारा। कुछ प्रभावित ही नहीं कर सकता तुमको। और जब भी जीतोगे मन की श्रेष्ठता की वजह से जीतोगे, ना कोचिंग की वजह से जीतोगे, ना किताबों की वजह से जीतोगे, ना किसी टीचर की वजह से जीतोगे। पढ़ना नहीं है, ढूंढना है। जब तुम कोई चीज पढ़ते हो तो तुम रटना चाहते हो, और जब तुम ढूंढते हो तो दिमाग को मजा आता है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसको क्यूरियोसिटी के भाव से पढ़ो। तुम देखना तुम्हारे पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। तुम इसलिए मत पढ़ो कि तुमको नंबर लाना है, तुमको सिलेक्शन लेना है, वो तो हो ही जाएगा। तुम क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा कि नेशनल इनकम क्या होता है इकोनॉमी में, यार कैसे कैलकुलेट होता है कि भारत की आय कितनी, जीडीपी कितनी, परचेसिंग पावर पर जीडीपी कितनी, परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। तुम जिज्ञासा के भाव से पढ़ो कि ये क्या है यार, पीपीपी क्या है। बस तुम अपनी पढ़ाई में आज के दिन से एक नई चीज जोड़ लो, जिज्ञासा, और तुम हफ्ते भर बाद मुझे बताना तुमको कितना मजा आने लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि टेंशन खत्म हो जाएगा ना। जो मन का मेन काम है ढूंढना, वो तुमने उसे फिर से दे दिया। जीडीपी, जीएनपी, तुमने जिज्ञासा पैदा की, तो ना अंतर क्या है यार। और ठीक एक हफ्ते बाद तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हारे पढ़ने का अंदाज बदल गया कि नहीं, और मजा आने लगेगा। और जब मजा आने लगेगा तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और जिस दिन तुम्हें पूरा न्यूज़पेपर समझ में आने लगा उसी दिन तुम आईएएस। आईएएस का एग्जामिनेशन न्यूज़पेपर के सिवा कुछ है ही नहीं। आज की डेट में जो आदमी न्यूज़पेपर पर कमांड रखेगा वो आईएएस बनेगा। इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, सब तो न्यूज़पेपर से आ रहा है। स्टैटिक सब्जेक्ट में एक ही तो है, हिस्ट्री। ये बात तुमने आज तक गौर नहीं की होगी। जिज्ञासा से पढ़ो, बेसिक्स क्लियर करो, दो चीज कर लो, एनसीईआरटी पे कमांड और न्यूज़पेपर पर प्रॉपर आईएएस। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, गारंटी दे रहे हैं। और अगला एक हफ्ता इसी पैमाने पे पढ़ के देखो, फिर मुझे बताओ। अगर तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो मुझसे कहना। दबाव में मत पढ़ो, जिज्ञासा के लिए पढ़ो।